दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब आपको फोम लेना होता है तो आप मार्केट में घूमते हैं, अलग अलग कंपनी का जो फोम आता है उसकी कंपेरिजन करते हैं, उसकी वारंटी क्या है, उसकी डेंसिटी के हिसाब से रेट क्या है, उन सभी का कंपेरिजन करते हैं। बाद में आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा फोम ले और कौन सा फोम ना ले। तो इस वीडियो में मैं आपका काम आसान कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, स्लीपवेल, कर्लोन और स्प्रिंगवेल, इन तीनों के फोम का रेट क्या है, उसकी वारंटी क्या है, डेंसिटी के हिसाब से कौन सा फोम अच्छा रहेगा, उस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताऊंगा कि कोई भी फोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने कस्टमर्स को नहीं बताती। दोस्तों आमतौर पे सोफे के अंदर पीयू फोम और एचआर फोम सबसे ज्यादा यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं 32 डेंसिटी पीयू फोम से। ये जो आप देख रहे हो ये है स्लीपवेल का 32 डेंसिटी पीयू फोम प्रीमोकूल, और ये जो है वो है कर्लोन का 32 डेंसिटी फोम, और ये है स्प्रिंगवेल का 32 डेंसिटी फोम। ये तीनों फोम की डेंसिटी सेम है। इसके अंदर अगर बात करें रेट क्या है, तो रेट के बारे में अभी हम कंपेयर करते हैं। ये जो मैंने अभी रेट दिया है वो है 32 डेंसिटी 4 इंच का रेट, 4 इंच का रेट पर स्क्वायर फुट दिया है। अगर आपको कम थिकनेस में चाहिए तो आप इसको इसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। 4 इंच का, अगर 1 इंच का चाहिए तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए तो आपको वो 1 इंच का रेट मिल जाएगा, पर स्क्वायर फुट है। स्लीपवेल का देखें तो प्रीमो कूल 32 डेंसिटी में उसमें 7 साल की वारंटी आएगी, और उसका जो रेट है वो 312 है। ये जो रेट मैंने अभी दिया है वो MRP है। इसमें और भी जब आप डीलर के पास जाते हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी होता है, और स्टेट वाइज इसका रेट भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग जो रहता है वो अलग अलग रहता है। दूसरा स्लीपवेल का आता है फेदर फोम। फेदर फोम का अगर रेट देखें तो 245 रुपीज़ है पर स्क्वायर फुट का, और उसका जो थिकनेस है वो 100 mm आएगा। प्रीमो कूल जो ऊपर का है उसका थिकनेस है 110 mm का थिकनेस आएगा। तो इसका जो वारंटी है प्रीमो कूल का वो 7 साल का है, और फेदर फोम का वारंटी 5 साल का है। अब बात करते हैं कर्लोन के फोम के बारे में। कर्लोन के अंदर दो कैटेगरी के फोम आते हैं, एक आता है हीरा और दूसरा आता है गोल्ड लाइन। जो हीरा है उसका जो रेट है पर स्क्वायर फुट का वो 270 रुपीज़ है, और उसका वारंटी 10 साल का है, और उसके अंदर जो थिकनेस आएगा वो पूरा 100 mm का आएगा। और गोल्ड लाइन है कर्लोन का, जो गोल्ड लाइन उसके अंदर जो उसका रेट है वो 225 रुपीज़ है, और उसमें 5 साल की आपको वारंटी मिलेगी, और उसका जो थिकनेस आएगा वो 95 mm का आएगा 4 इंच के अंदर। अब बात करते हैं स्प्रिंगवेल के फोम के बारे में। स्प्रिंगवेल में तीन कैटेगरी के फोम आते हैं। एक आएगा जो प्रीमियम है पफ करके, उसका जो 32 डेंसिटी का रेट है वो 245 रुपीज़ है पर स्क्वायर फुट का, और उसमें 10 साल की कंपनी वारंटी देती है, और उसका जो थिकनेस है वो पूरा 100 mm का आएगा। दूसरा आएगा टेक्नो फोम स्प्रिंगवेल का, उसका जो MRP है वो 199 रुपीज़ है पर स्क्वायर फुट का, और 7 साल की उसके अंदर कंपनी वारंटी देती है, और उसका जो थिकनेस है वो 95 mm का आएगा। और तीसरी जो कैटेगरी है स्प्रिंगवेल की उसका नाम है टर्बो। टर्बो का जो रेट है स्क्वायर फुट का वो 179 रुपीज़ है, और उसमें 5 साल की कंपनी वारंटी देती है, और उसका जो थिकनेस है वो 95 mm आएगा। तो एज पर रेट वाइज देखें तो तीनों कंपनियों का जो रेट है वो लोकल जो मार्केट में फोम बिकता है उससे तो थोड़ा हाई रहेगा, मगर आप तीनों में से कोई भी कंपनी का फोम सिलेक्ट करेंगे तो क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट आएगा, और टेक्नोलॉजी वाइज भी सबसे बेस्ट ही रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं 40 डेंसिटी पीयू फोम के बारे में। ये है स्लीपवेल का 40 डेंसिटी प्रीमो कूल, ये है कर्लोन का 40 डेंसिटी फोम, और ये वाला है वो है स्प्रिंगवेल का 40 डेंसिटी पीयू फोम। अब देखते हैं रेट के बारे में। स्लीपवेल का जो 40 डेंसिटी का फोम है, ये जो रेट है वो 4 इंच का है पर स्क्वायर फुट रेट दिया हुआ है। स्लीपवेल का प्रीमो कूल 40 डेंसिटी में उसका रेट है 388 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, और उसके अंदर 10 साल की कंपनी वारंटी देती है, और थिकनेस है वो पूरा 110 mm का आएगा। और स्लीपवेल का ही दूसरा फेदर फोम करके आता है, तो फेदर फोम का जो रेट है वो पर स्क्वायर फुट 298 रुपीज़ है, और उसमें 7 साल की कंपनी वारंटी देती है, और थिकनेस उसका पूरा 100 mm आएगा।
अब बात करते हैं करलोन। करलोन का जो हीरा और गोल्ड लाइन है, हीरा का जो 40 डेंसिटी फोम है उसका जो रेट है वो 327 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, और उसके अंदर कंपनी पूरे 15 साल की वारंटी देती है, और उसका जो थिकनेस है वो पूरा 100 mm का आएगा। अब बात करते हैं करलोन के गोल्ड लाइन के बारे में। गोल्ड लाइन का जो फोम है 40 डेंसिटी, उसका जो रेट है वो 270 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, और उसमें कंपनी 10 साल की वारंटी देती है, और थिकनेस है वो 95 mm का आएगा। अब बात करते हैं स्प्रिंग वेल के जो फोम आते हैं 40 डेंसिटी के अंदर, उसमें सबसे प्रीमियम है पफ करके। पफ का जो रेट है वो 306 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, और कंपनी उसके अंदर 15 साल की वारंटी देती है, और उसका जो थिकनेस है वो पूरा 100 mm का आएगा। स्प्रिंग वेल टेक्नो, टेक्नो फोम है वो, उसका जो रेट है वो 248 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, और उसका जो थिकनेस है वो 95 mm का है, और कंपनी उसके अंदर 15 साल की वारंटी देती है। और तीसरा है स्प्रिंग वेल का टर्बो, टर्बो का रेट है 219 रुपीज पर स्क्वायर फुट, और उसमें कंपनी 10 साल की वारंटी देती है, और उसका जो थिकनेस है वो पूरा 95 mm का आएगा। और दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलो 32 डेंसिटी है तो उसका कलर येलो ही आएगा, 40 डेंसिटी है तो पिंक ही आएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर कंपनी कलर में चेंजेस करे, तो कलर पे मत जाइए, फोम के ऊपर लिखा ही होता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, तो आपको वही देखना है। दोस्तों अब बात करते हैं एचआर फोम के बारे में। एचआर फोम का क्या होता है कि एचआर फोम का जो रेजिलियंस पावर होता है वो थोड़ा पीयू फोम की कंपैरिजन में उसका बाउंस बैक ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं स्प्रिंग वेल, करलोन और स्लिप वेल तीनों के एचआर फोम का रेट। अगर स्लिप वेल का देखें तो ये वाला है 32 डेंसिटी एचआर फोम, ये करलोन का है और ये है स्प्रिंग वेल का। अब रेट का कंपैरिजन करते हैं, 32 डेंसिटी एचआर फोम 4 इंच की थिकनेस का पर स्क्वायर फुट का रेट दिया हुआ है। स्प्रिंग स्लिप वेल का जो एचआर है उसका नाम है एम्ब्रांस नियो, और उसका जो रेट है पर स्क्वायर फुट का वो 326 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है, और उसका जो थिकनेस है वो 110 mm पूरा आएगा। अब बात करते हैं करलोन के एचआर फोम के बारे में। करलोन का जो एचआर है उसका रेट है 270 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, और उसका जो थिकनेस है वो पूरा 100 mm का आएगा। और स्लिप वेल का अगर वारंटी देखे तो 7 साल का है, और करलोन का है 15 साल का। अभी स्प्रिंग वेल का एचआर देखते हैं, तो स्प्रिंग वेल के एचआर में उसका जो रेट है पर स्क्वायर फुट का वो है 256 रुपीज पर स्क्वायर फुट, और उसका जो वारंटी आता है वो 10 साल का आएगा, और उसका थिकनेस है वो 95 mm का आएगा। तो ये हो गया 32 डेंसिटी एचआर फोम तीनों कंपनियों का। दोस्तों अब देखते हैं 40 डेंसिटी एचआर फोम का रेट। तो स्टार्ट करते हैं स्लिप वेल से। स्लिप वेल का जो एचआर फोम है उसका नाम है रॉयल्टी नियो, और उसका जो रेट है पर स्क्वायर फुट का वो है 408 रुपीज पर स्क्वायर फुट, और उसमें कंपनी 10 साल की वारंटी देती है, और उसका थिकनेस पूरा 110 mm का आएगा। दूसरी कंपनी है करलोन। करलोन का जो एचआर है 40 डेंसिटी का उसका रेट है 334 रुपीज पर स्क्वायर फुट, उसमें कंपनी 20 साल की वारंटी देती है, और उसका जो थिकनेस है वो पूरा 100 mm का आएगा। और तीसरा है स्प्रिंग वेल। स्प्रिंग वेल का जो एचआर है उसका रेट है 318 रुपीज पर स्क्वायर फुट, और उसमें कंपनी 15 साल की वारंटी देती है, और जो थिकनेस आएगा उसका वो आएगा 95 mm। अगर आपको थिकनेस ज़्यादा चाहिए किसी भी फोम में या कम चाहिए तो भी थिकनेस मिलता है, मगर ये जो थिकनेस हमने यहाँ पे दिया है वो स्टैंडर्ड थिकनेस है कि सोफे में सबसे ज़्यादा इस थिकनेस का फोम सबसे ज़्यादा चलता है। दोस्तों अब बात करते हैं सॉफ्ट फोम के बारे में। जब आप सोफा बनाते हो तो उसके अंदर 1 इंच या 2 इंच थिकनेस का सॉफ्ट फोम लगता है, तो तीनों कंपनियां स्लिप वेल, करलोन और स्प्रिंग वेल तीनों कंपनियां बेस्ट सॉफ्ट फोम बनाती है। तो उसके अंदर अगर देखें स्लिप वेल के 2 तरीके के सॉफ्ट फोम आते हैं, एक आएगा ब्लैक वेलवेट करके इस तरीके का, दूसरा आएगा रेसिटेक करके, वो थोड़ा ज़्यादा बाउंसी होता है। और दूसरा करलोन का देखे तो उसका ब्लैक कलर का सुपर सॉफ्ट आएगा, और स्प्रिंग वेल का भी सेम सुपर सॉफ्ट ब्लैक कलर का आएगा। तो अभी उसका रेट कंपेयर करते हैं। अगर स्लिप वेल का देखे तो वेलवेट ब्लैक ये जो रेट है वो मैंने 2 इंच थिकनेस का दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड करेंगे, अगर आपको 1 इंच का चाहिए तो वो भी आप डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये वेलवेट ब्लैक इसका जो रेट है पर स्क्वायर फुट का वो है 152 रुपीज़, इसका जो थिकनेस आएगा वो 55 mm का आएगा।
अब देखते हैं स्लीप वेल का सेंसिस जो फॉर्म आता है सॉफ्ट फॉर्म, उसका जो रेट है वो 156 रुपीस पर स्क्वायर फुट है और उसका जो थिकनेस आएगा वो 55 mm आएगा। इन दोनों की फॉर्म के रेट के वो देखें तो उसमें वेरिएशन बहुत कम है, तो अगर हो सके तो स्लीप वेल का सेंसिस ही सबसे बेस्ट रहेगा वेलवेट से। इसके नीचे अगर दूसरी कंपनी का देखें करलोन का, तो करलोन का जो सुपर सॉफ्ट ब्लैक है उसका जो रेट है पर स्क्वायर फुट का वो 130 रुपीस है और उसका थिकनेस 50 mm का आएगा। और तीसरी कंपनी स्प्रिंगवेल, स्प्रिंगवेल का देखें उसका नाम भी ब्लैक सुपर सॉफ्ट ही है, ब्लैक कलर का ही है, तो उसका जो स्क्वायर फुट का रेट है वो 100 रुपीस पर स्क्वायर फुट है और उसका जो थिकनेस आएगा वो आएगा 45 mm। दोस्तों अब बात करते हैं मेमोरी फोम के बारे में। आमतौर पे सोफे के अंदर मेमोरी फोम बहुत ही कम यूज होता है, मगर कभी कभी जिसको हाईली सॉफ्ट सोफा बनाना है वो कभी कभी यूज करते हैं, तो उसका भी रेट हम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो मेमोरी फोम की बात करें तो स्लीप वेल का जो मेमोरी है उसका नाम है प्रीमोकूल मेमोरी, उसका इस तरीके का फोम आएगा स्लीप वेल का, और करलोन और स्प्रिंग वेल का इस तरीके का मेमोरी फोम आएगा। तो मेमोरी फोम देखें स्लीप वेल का रेट, तो उसका जो रेट है वो 260 रुपीस पर स्क्वायर फुट है और उसका जो थिकनेस है वो 55 mm का है। और करलोन का मेमोरी देखें तो उसका रेट 243 रुपीस पर स्क्वायर फुट का है और उसका जो थिकनेस है वो 50 mm का आएगा। और स्प्रिंगवेल का अगर मेमोरी देखें तो उसका जो रेट है वो 263 रुपीस है 45 mm का। तो अगर तीनों की कंपैरिजन में आप देखेंगे तो स्प्रिंगवेल का रेट सबसे ज़्यादा है, मगर उसका जो फोम का डेंसिटी होता है स्प्रिंगवेल का वो सबसे ज़्यादा है, उसके उस हिसाब से उसका रेट ज़्यादा है, तो ये एक चीज़ है। और मेमोरी फोम जब आप सोफे के अंदर यूज़ करते हो तो एक हम एडवाइस देते हैं कि सोफे के ऊपर का जो क्लोथ है जो कवर आता है वो आप स्ट्रेचेबल यूज़ कीजिए, क्योंकि तभी आपको मेमोरी का बेस्ट फील मिलेगा, अदरवाइज मेमोरी का मेमोरी मतलब यूजलेस हो जाएगा, उसका टोटल मनी वेस्टेज हो जाएगा, आपको फील ही नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तीनों कंपनी का मेमोरी फोम। और दोस्तों 2 इंच जब आप फोम लेते हो, सॉफ्ट फोम लेते हो या मेमोरी फोम लेते हो, 2 इंच है 1 इंच है, उसके अंदर कोई कंपनी गारंटी या वारंटी नहीं देती है, तो ये एक बात का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो फोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने कस्टमर्स को नहीं बताती। वो यही बात है कि जितने भी फोम मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं मोस्ट ऑफ कंपनीज के, तो उसके अंदर क्या होता है कि कंपनी 10 साल 20 साल 25 साल की वारंटी गारंटी दे देती है, मगर उसका एक क्लोज होता है कि मतलब आपने 6x6 की सीट परचेस की है फोम की, तो उस पूरी सीट का आपको गारंटी वारंटी मिलेगा, मगर जब वो सीट कट होगी फोम की तो उसका गारंटी वारंटी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी जो सीट आती है 6x6 की है 6x3 की है, उसके ऊपर कंपनी का एक एम्बोर्स हुआ लोगो रहता है, जब आप कट करोगे तो वो लोगो एक साइड चला जाएगा और दूसरी जो कटिंग किया हुआ जो पार्ट होगा फोम का वो भी दूसरी साइड फिट होगा। तो कंपनी यही देती है कि जब आप फोम को कट करोगे तो उसकी गारंटी वारंटी चली जाती है, वो आमतौर पर सभी कंपनियाँ अपने कस्टमर्स को नहीं बताती है। दोस्तों इसमें जो भी कंपैरिजन दिया है, जो भी रेट दिया है वो अभी का है, हो सकता है इन फ्यूचर रेट में अप और डाउन्स हो, तो हम हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर अपडेट डालते रहेंगे ताकि आपको करंट जो रेट है वो पता चले। तो वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिएगा कि आपको पता चले कि भाई करंट का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि अप और डाउन्स फॉर्म के अंदर बहुत हो रहे हैं आजकल, तो ये एक चीज़ है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है फोम के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फोम की जो वेराइटीज़ आती है अलग अलग तरीके की, उसके लिए भी हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। थैंक यू।